दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल साल 2022 के सीजन में अपने सभी फैंस को काफ़ी ज़्यादा निराश यहां पर करती हुई नज़र आई है। अपनी बेंच स्ट्रेंथ की बात करें तो कुछ ऐसे इंडियन प्लेयर्स थे जिनका नाम आपने शायद ना सुना हो, पर दोस्तों दूसरी टीमों की माने तो उन्होंने कहा है कि टीम केकेआर ने अच्छा खासा यंग टैलेंट वेस्ट किया है और ना ही अपने प्लेयर्स को ढंग से इस्तेमाल करते हुए उन सभी का जो यहां पर पोटेंशियल था वो इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो एक मज़ेदार वीडियो होने वाली है जहाँ कुछ प्लेयर्स मैं आपको बताऊँ जो रिलीज नहीं होने वाले हैं और यहां पर साल 2023 में केकेआर के सबसे मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी होने वाले हैं यानी टॉप 5 एमवीपी में बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और अगर आप यू टीम केकेआर के बड़े वाले फैन तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दो। तो एज अ फैन दोस्तों केकेआर के आप सभी लोग ये जानते ही हो कि चाहे कप्तान श्रेयस अय्यर हो, चाहे कप्तान दिनेश कार्तिक हो या चाहे कप्तान ओयन मॉर्गन हो, टीम केकेआर के अंदर जो मैनेजमेंट है असली कप्तान वही है। असली केकेआर तभी खेलती थी जब यहाँ पर एंग्री यंग मैन गौतम गंभीर कप्तान हुआ करते थे क्योंकि वो सिर्फ खुद की ही चलाते थे और उनको एक ही चीज़ समझ आती थी, जीत। पर जब से गौतम गंभीर गए तो उसके बाद से दोस्तों आप जानते हो केकेआर एक ही बार फाइनल में पहुँच पाया है और ट्रॉफी एक बार भी नहीं जीत पाया गौतम गंभीर के अलावा। बट दोस्तों इसके बावजूद भी केकेआर मैनेजमेंट हमेशा बीच में टांगे अड़ाता है। अब ये उनका पर्सनल मैटर हो सकता है कि वो किस तरह से स्ट्रैटेजी वगैरह बनाता हो, बट दोस्तों हमें दिखने में तो ऐसा ही लगता है कि कप्तान को कप्तानी करने को नहीं मिलती है और इस चक्कर में कुछ अच्छे अच्छे प्लेयर्स बेंच के ऊपर बैठे रहते हैं। तो कुछ ऐसे प्लेयर्स मैं आपको बता देता हूं जो साल 2023 में टीम केकेआर के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकते हैं। तो इन प्लेयर्स का नाम है रिंकू सिंह, प्रथम सिंह, हर्षित राणा, चमिका करुणारत्ने, सैम विलिंग्स। दोस्तों ये जो टॉप 5 नाम मैंने आप सभी को बताए हैं इसमें से टीम केकेआर अगर चाहे तो किसी को भी रिलीज़ कर सकता है, बट अगर रिलीज़ करेगा तो वो कहते हैं ना दोस्तों खुद के पाँव पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी क्योंकि ये सब अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताओ साल 2023 में कौन होगा टीम केकेआर के टॉप 3 MVP। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना।